दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपके प्यारे चैनल कृषि जगत टेक्नोलॉजी पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीवामृत कैसे बनाएं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीवामृत के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपको एक 200 लीटर का ड्रम लेना है तथा उसमें पानी से भर लेना है। उसके बाद आपको बेसन की ज़रूरत पड़ेगी, 1 से 1.5 किलो बेसन लेवें, चाहे वो किसी भी दाल का बेसन क्यों न हो। उसके बाद एक जीवाणु युक्त मिट्टी लेनी है। ये जीवाणु युक्त मिट्टी आपको बड़ के पेड़ के नीचे की मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी नहीं मिलती है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी भी ले सकते हैं, क्योंकि उनके इन दोनों पेड़ों के नीचे जीवाणुओं की संख्या बहुत काफ़ी संख्या जीवाणु मिलते हैं इसकी मिट्टी में। आप एक दलहन को भी ले सकते हैं, जैसे मैंने सरसों को लिया है। एक आपको गौमूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। गौमूत्र में जीवाणुओं की मात्रा काफ़ी मात्रा में, गौमूत्र को इसमें मिलाने से जीवाणुओं की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। 1 से 1.5 किलो गुड़ के घोल को लेवे। उसके बाद गोबर को ले लेवे। यह गोबर गऊ माता का होना चाहिए, क्योंकि गऊ के गोबर में जीवाणुओं की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। तथा एक पात्र से मिलाने के लिए खाली पात्र ले लें। सबसे पहले हम इसमें गौमूत्र को डालेंगे। गौमूत्र को डालने के बाद आपको इसमें गोबर को मिक्स कर लेना है। गोबर को इसमें बारीकी से मिला लेना है ताकि इस गोबर में कोई घास न रह जाए। उसके बाद अगर जिस समय ये गोबर और बेसन आराम से घुल जाए तब आपको इसमें सरसों का पिसी हुई सरसों को डाल देना है। पिसी हुई सरसों को भी आराम से इसको मिला लेना है। जब तक नहीं मिलती है तब तक इसे हाथ से मिलाते रहें। उसके बाद पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लगभग 1 से 1.5 किलो मिट्टी को मिला लेवें। क्योंकि पीपल व बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी में जीवाणु की मात्रा काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे मिलाना ज़रूरी है। उसके बाद गुड़ के घोल को इसमें डाल दें। 1 से 1.5 किलो गुड़ के घोल को इसमें डाल दें।
अब इसके घोल को आप पानी में डाल देवें। उसके बाद डिकम्पोजर वैस डिकम्पोजर के घोल को इसमें डाल देवे अगर आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद इसको क्लॉक वाइज इसमें एक लकड़ी के सहायता से इसे मिलाएं और रोजाना सुबह शाम इसे मिलाते रहें। सात दिन में आपका यह जीवा अमृत तैयार हो जाएगा। ये मेरे पास एक किसान आया हुआ है, उन्होंने पूछा कि जीवा अमृत कैसे बनाया जाता है। मैंने इस अनिल को अपने पास बुला लिया कि जीवा अमृत इस प्रकार से बनाया जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीवा अमृत का उपयोग कैसे करें तथा इसके क्या क्या लाभ हैं। दोस्तों, आप इसे एक कपड़े की सहायता से ढक देवे तथा सुबह शाम इसको क्लॉक वाइज घुमाते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।